हाय गाइस, मैं सरोज जोसफ अपना चैनल फिशिंग ट्रेंड्स में सबको बाइक कास्टिंग रेल खरीदा हूं। दोस्तों, ये है डेवेव करके एक कंपनी है, उस कंपनी का एक ब्रांड एक बाइक कास्टिंग रेल में खरीदा हूँ। मैं एक चीज़ बताता हूँ, झूठ मूठ कुछ बोलने का कोई जरूरत नहीं है। मैं गाइस पहली बार इसको यूज करने जा रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं इसीलिए थोड़ा सा कम रेट का, मतलब 2500 रुपए का आसपास आया है ये, ठीक है। अभी मैं इसको यूज करके बता दूँ ये रेल कैसा है। और गाइस दूसरा, इसको कैसे यूज करना है, इसका क्या टेक्निक है, यो सब कुछ मैं यूज करके सीखने के बाद आप लोगों को साथ शेयर करूंगा, ठीक है। बिना सीख के झूठ मूठ का डायलॉग बोलने से काम नहीं चलेगा। पहले हम इसको सीखते हैं, उसके बाद बता दूंगा। अभी मैं आप लोगों को इसलिए लेके आया हूँ या रील आप लोगों को दिखाने के लिए, और क्या ब्राइडल लाइन कैसे इसके अंदर माउंट करना है वो भी आप लोगों को मैं बता दूंगा, ठीक है। वो मेरे को पता है माउंट कैसे करना है, मैं आपको एक बार शेयर कर दूंगा। अगर कुछ लोग के पहले खरीदते टाइम इसके अंदर ब्राइडल लाइन कैसे माउंट करते हो जानता नहीं है, इसलिए क्या हम ब्राइडल लाइन इसके अंदर कैसे माउंट करते हैं हम देखते हैं। गाइज, आप लोग का सामने में दिखाया हुआ रोड है फैंटम कैटफिश 7 फीट रोड, ठीक है। गाइज, अभी हम अपना बाइट कास्टिंग रील हम रोड में फिट करेंगे, जहाँ पर अपना जो टू पीस रोड का जहाँ पर हम हाथ पकड़ता है उस जगह पर ऐसे रील सेट करने का एक जगह मिलता है, उस जगह पर अपना रील को माउंट करना है, ऐसे टाइट कर देना फुल। और एक बात है, अपना ये जो बाइट कास्टिंग रील रोड का ऊपर की तरफ रहता है, ना नीचे रहता है, ठीक है। अपना जो पुराना वाला जो रील वाला नीचे रहता है। उसके बाद गाइस, हमें जो ब्राइडर लाइन हमने उसके अंदर माउंट करना है, वो जो ब्राइडर लाइन क्या करना है, सबसे पहले अपने रोड को ऊपर का ऊपर से जो रिंग है वो रिंग का अंदर से डालकर, उसके बाद अपना ये जो बाइट कास्टिंग रील का सामने आपका सामने जो मैं दिखा रहा हूँ उस होल का अंदर से अपना ये जो ब्राइडर लाइन निकाल देना। उसके बाद आप देख लीजिए ये रील का अंदर जो स्पूल दिख रहे हो, गोल्ड कलर का स्पूल दिख रहे हो, उसका अंदर जा रहे होल दिखाई दे रहा है। एक होल का अंदर से अपना ब्राइडल लाइन को निकालना, ऐसा सेम ऊपर से एक होल और नीचे से भी एक होल से अपना ब्राइडल लाइन को निकालना है। निकाल के थोड़ा सा अपना हैंडल को घुमाकर उसको अपने हाथ में लेके अच्छी तरह से उसको टाइट करना है। अगर आपको टाइट करना है तो थोड़ा सा बाहर निकालने के बाद और एक बार घुमा दो, घुमाने के बाद फिर टाइट कर लो, बिल्कुल एकदम मजबूत टाइट हो जाएगा। गाइस, जैसे वीडियो में जैसे देख रहे हैं ऐसे सेम अच्छी तरह से इसको अपना स्पूल के अंदर टाइट कर लेना, थोड़ा सा खींच के टाइट कर देना। उसके बाद बाकी जो बचा हुआ अपना ब्राइडर है उसको भी हम काट के रिमूव करेंगे। बचा हुआ ब्राइडर भी हम रिमूव किया। अभी गाइस, अभी हमें क्या करना पता है, अभी जो हमने स्पूल के अंदर रिट्राइव करके अपना ब्राइडर लाइन को पूरा हमने इसके अंदर लगाने के लिए जहाँ पर हमने अपना ब्राइडल लाइन बांधा है वो क्या सीधा होने के लिए थोड़ा सा टेप लेना है। टेप लेके उसको अपने लाइन को बिल्कुल एकदम अपना स्पूल का सेंटर लगा के इसको चिपका देना, थोड़ा सा चिपका देना, ठीक है। उसके बाद अपना ब्राइडल लाइन को तो पकड़ के हम रिट्रेव कर सकते हैं। गाइस, हम टेप इसीलिए लगाता है, अपना ब्राइडल लाइन सेंटर लगा के हम रिट्रेव करने से क्या है, अपना लाइन बिल्कुल सही तरीके में बाइट कास्टिंग रेल के अंदर स्पूल हो जाएगा। ओके गाइस, अभी क्या करना है, एक बच्चा हुआ जो ब्राइडल लाइन है उसको एक कपड़ा लेना, कपड़ा लेके उसको पकड़ना। अगर आप राइट हैंड है तो लेफ्ट हैंड में कपड़ा को पकड़ लेना, ब्राइडल लाइन को पकड़ के। ब्राइडल लाइन किसी कपड़ा से पकड़ रहे हैं कि हम रिट्रीव करते टाइम क्या है अपना हाथ कटने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए कि हम लेफ्ट हैंड में थोड़ा सा मजबूत पकड़ना है अपना ब्राइडल लाइन को। उसके बाद अच्छी तरह से इसको रिट्रीव करके अपना ब्राइडल लाइन को स्पूल कर सकता है। अभी आप देख लो, आपके सामने दिखा रहा हूँ मैं।
अब लोग सब समझ में आया लग रहा है। अभी इसके अंदर मैं पूरा ब्राइडल एंड पूरे इसके अंदर स्कूल किया हुआ है और मैं इधर यूज़ किया हुआ रोड है फैंटम कैटफिश 7 फीट रोड है, ठीक है। मैं अपना स्नेकर वगैरह पकड़ने के लिए ये रोड यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बारे में मैं अच्छी तरह से इसको यूज़ करके ये जो बाइट कास्टिंग रील के बारे में अच्छी तरह से मैं नॉलेज लेकर आपके पास मैं लेके आ जाऊँगा। इसको कैसे यूज़ करना इसको थोड़ा सीखना ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, सिर्फ मैं ब्राइडल लाइन बांधने का तरीका मैं आपको बता दिया और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मैं अगला नेक्स्ट एक दो वीडियो के बाद आपको मैं डाल दूँगा, ठीक है, सीखने के अच्छी तरह से सीखने के बाद। ओके गाइस, अभी आप लोग को अपना वीडियो अगर पसंद आ गया अच्छा लग गया तो पक्का है, अगर वो भी नहीं, अगर आप मेरे चैनल में अगर आप नया है तो पक्का एक लाइक और सब्सक्राइब करना, अपना दोस्तों को अगर शेयर करना चाहता है तो पक्का शेयर करना और साइड में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक करके ऑल ऑप्शन को एनेबल करना। अभी गाइस नेक्स्ट वीडियो जब तक नहीं आएगा तब तक गुड बाय।